में राष्ट्रपति पद भार संभाला है रणिल विक्रमसिंघे ने, जो एक साल का संघर्ष श्रीलंका में देखा गया था उसके बाद ये पहली भारत यात्रा है उनकी। उस लिहाज से दोनों नेताओं के बीच अब हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक होनी है और साफ तौर पर इस यात्रा को बेहद अहम बताया जा रहा है और दोनों देशों के नेताओं ने लगातार ये बात की है कि किस तरह से जो लाभ वाले क्षेत्र हैं उनकी पहचान की जाएगी और श्रीलंका भी जिस तरह से आर्थिक संकट के दौरान वो गुजर रहा था, भारत ने निश्चित तौर पर एक दोस्त के तरह जिस तरह से मदद की थी उसकी वजह से श्रीलंका को सबल बनने में बहुत सहायता मिली और पड़ोसी प्रथम की जो नीति है उसकी राह पर चलते हुए अगर हम माने तो श्रीलंका भारत का अहम साझेदार है और उस लिहाज से जो ये यात्रा है वो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के संबंध श्रीलंका के साथ महत्वता से तो परिपूर्ण है ही, साथ ही बहुमुखी